राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह देहरादून के एफआरआई सभागार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रकृति केंद्रीय विकास पर जोर देते हुए कहा कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ विकास के मानकों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आया है। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ओनर नहीं है बल्कि ट्रस्टी है। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए। वस्तुतः प्रकृति केंद्रित होकर ही हम सही अर्थ में मानव केंद्रित हो सकेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती विश्व समुदाय के सामने है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि विश्व के कई भागों में वन संसाधनों की क्षति बहुत तेजी से हुई है। वनों का विनाश किया जाना एक तरह से मानवता का विनाश करना है। विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से हम क्षतिपूर्ति तेज गति से कर सकते हैं। उन्होंने वन अकादमी के विशेषज्ञों से जलवायु की इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षार्थियों के करिकुलम यथोचित संशोधन करने की अपील की। आज यहाँ वन अकादमी के एक्सपर्ट्स उपस्थित थे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जलवायु की इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण की करिकुलम में यथोचित संशोधन करने पर विचार करें। विश्व के कई भागों में वन संसाधनों की क्षति बहुत तेजी से हुई है। वनों का विनाश किया जाना एक तरह से मानवता का विनाश करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्षतिपूर्ति तेज गति से कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास रथ के दो पहिए होते हैं, परंपरा और आधुनिकता। आज मानव समाज पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं का दंश झेल रहा है। इसके प्रमुख कारणों में एक है एक विशेष प्रकार की आधुनिकता जिसके मूल में है प्रकृति का शोषण। इस प्रक्रिया में पारंपरिक ज्ञान को उपेक्षित किया जाता है। जनजातीय समाज ने प्रकृति के शाश्वत नियमों को अपने जीवन का आधार बनाया है। जनजातीय जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है। इस समाज के लोग प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। असंतुलित आधुनिकता के आवेग में कुछ लोगों ने जनजातीय समुदाय और उनके ज्ञान भंडार को रूढ़िवादी मान लिया है। राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय के सदियों से संचित ज्ञान के महत्व को समझने और प्रकृति को बेहतर बनाने में उसका उपयोग करने का भी आह्वान किया। असंतुलित आधुनिकता के आवेग में कुछ लोगों ने जनजातीय समुदाय और उनके ज्ञान भंडार को रूढ़िवादी मान लिया है। जलवायु परिवर्तन में जनजातीय समाज की भूमिका नहीं है लेकिन उन पर इसकी दुष्प्रभाव का बोझ कुछ अधिक ही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सदियों से जनजातीय समाज द्वारा संचित ज्ञान के महत्व को समझा जाए और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाए।